वेलकम बैक टू डिस्कवरिंग नियर बाय। आई एम संकेत कश्यप और आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप अपने आईफोन पे फोटो को एडिट कर सकते हैं। जो आपने टाइटल से जज ही कर लिया है कि हाउ टू एडिट योर फोटोज ऑन आईफोन, इस वीडियो के बाद आपको अच्छे से फोटो एडिट करना अपने फोन के ऊपर आ जाएगा। बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसे मैंने बताया था कि आप कैसे अच्छी फोटोज ले सकते हो, तो लोगों ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा कि आप एडिट कैसे कर सकते हो ये भी बताएं। तो अगर आपने वो नहीं देखी कि अच्छी फोटोज लेनी कैसे है तो वो भी देख लेना, क्योंकि एडिट से करने पहले फोटोज खींचना जरूर आना चाहिए। तो इस वीडियो में बेसिकली दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक एडिटिंग दिखाऊंगा कि आप बेसिक एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, फिर मैं कुछ एडवांस चीजें बताऊंगा जो आपकी फोटोज को काफी इंप्रूव कर सकती हैं। और मैं इस वीडियो में सिर्फ एक तो आईफोन का जो इनबिल्ट एडिटर है वो यूज करूंगा और उसके साथ साथ मैं यूज करूंगा स्नैपसीड। अब मैं स्नैपसीड इसलिए यूज कर रहा हूं कि वो फ्री है, तो बेसिकली इस वीडियो में मैं जो भी चीज बताऊंगा उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं खर्चनी पड़ेगी किसी सॉफ्टवेयर के लिए, किसी सब्सक्रिप्शन के लिए। ये बिल्कुल ही फ्री मेथड होंगे। स्नैपसीड को मैं इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि स्नैपसीड पे आपकी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, तो ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है और मैं अपनी तरफ से बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो की शुरुआत में बता दूं, मुझे किसी भी ऐप ने स्पॉन्सर नहीं किया है, ना ही मुझे एप्पल ने स्पॉन्सर किया है। तो आपको अगर फोटो एडिटिंग का नहीं पता बिल्कुल भी, तो ये एक बिगिनर के लिए भी ये बहुत ही आसान ट्यूटोरियल होगा और मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी इंस्टाग्राम आईडी मुझे डीएम करके आराम से पूछ सकते हैं। और ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, डजंट मैटर आपके पास कौन सा आईफोन है। मैं जो यूज करूंगा वो करूंगा आईफोन 11, लेकिन अगर आपके पास 7 भी है, 10R है या 10 है, कोई भी इस तरह का अगर आपके पास फोन है तो उस पे भी आप आसानी से एडिट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले है ये पिक। अब ये पिक आईफोन से ही क्लिक की गई है वाइड एंगल को यूज करके, तो आप देखोगे इसमें नॉर्मल सब कुछ बढ़िया है, मतलब मेरे हिसाब से HDR भी अच्छा है, ओवरऑल एक अच्छा सीन व्यू आ रहा है। तो ये मैंने इसलिए चूज करी क्योंकि इसमें स्काई और ग्राउंड आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा पंचर कलर नहीं है। तो क्या होता है जब हम सोशल मीडिया पे कोई भी फोटो पोस्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें ज्यादा कलर देखना पसंद है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो मैं आपको अब जो मेथड बताने जा रहा हूं उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली आईफोन के अंदर जो इनबिल्ट एडिटर है फोटो का उसको यूज करके इसे मैं एडिट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, जैसे ही एडिट पे क्लिक करूंगा देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन वगैरह सब साथ में आ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं कि जो इसका खुद का AI है वो फोटो को एडिट करते हैं। तो वैसे देखिए इसे करते ही फोटो थोड़ी ब्राइट हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये नहीं है जो मुझे पसंद है और मुझे अपने खुद से एडिट करना पसंद है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप एडिट कर सकते हो। तो देखिए वैसे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन मैं इन सब ऑप्शन से इसलिए नहीं छेड़खानी करता क्योंकि अगर आप इनसे छेड़खानी करोगे तो आप देखोगे कि आपकी फोटो की क्वालिटी गिर जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि आईफोन की फोटो जो होती है वो बहुत ज्यादा एडिटिंग को हैंडल नहीं कर सकती। अगर आपके पास लाइक लेटेस्ट प्रो मॉडल्स नहीं है तो आपकी जो नेटिव कैमरा ऐप है वो रॉ फोटो नहीं क्लिक करता जिससे आप बहुत ज्यादा हैवीली एडिट कर सको। तो मैं इन सब चीजों को नहीं छेड़ूंगा, मैं सिर्फ 3 चीजों को छेड़ता हूं। जो फर्स्ट है ये है सैचुरेशन, ये सैचुरेशन आप देख सकते हैं। तो अब सैचुरेशन का मतलब क्या है, जैसे ही मैं सैचुरेशन को कम करूंगा तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी और जैसे ही बढ़ाऊंगा तो कलर बढ़ जाएंगे। तो सैचुरेशन इन द सेंस एक चीज लगा लीजिए आप कि अपनी फोटो में कलर ऐड करना, तो अगर आप इसको नेगेटिव में लेके जाओगे तो कलर कम हो जाएंगे, पॉजिटिव में जाओगे तो बढ़ जाएंगे। अब मैं थोड़े से कलर एडिट करूंगा और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 20 तक ही जाएं, क्योंकि इससे ज्यादा कलर ऐड करने के बाद वो आर्टिफिशियल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं बिना कलर के ऐसे थी और ये ऐसे हो गई, तो फिलहाल मुझे थोड़ी सी बढ़िया लग रही है। अब इसके नीचे एक और ऑप्शन है, दैट इज वाइब्रेंस। अब वाइब्रेंस का मतलब भी यही होता है कि आप कलर ऐड कर सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो सैचुरेशन होता है वो ओवरऑल जो पूरी फोटो के कलर है उसे बढ़ा देता है, लेकिन ये उस पे कंसंट्रेट करता है जो थोड़े साइलेंट कलर्स है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं वाइब्रेंस को बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं मेरे ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं जो ब्लू स्काई है वो काफी ब्लू हो गया, जो ग्रीन है वो काफी ज्यादा, जो ग्राउंड का कलर है मतलब ये जो ब्राउनिश सा कलर है, ब्राउनिश ग्रीन सा कलर है, ये थोड़ा सा अलग से बढ़ रहा है, जो साइलेंट कलर है मतलब वो बढ़ रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं पहले फोटो ऐसे थी और अब ये ऐसे हो चुकी है। अब ये पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे ये ऐसी अच्छी लगती है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन हैवीली एडिट मत करना। जैसे मैंने 30 लिया है, 30 ही बहुत ज्यादा है, अगर आप 20 के करीब रखोगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे मेरे अकॉर्डिंग, फोटो क्वालिटी नहीं गिरेगी। इसके बाद जो तीसरी चीज है जिसको मैं छेड़खानी करता हूँ, दैट इज ये वार्म्थ। वार्म्थ मतलब बेसिकली होता है कलर टेम्परेचर। क्या होता है, कई बार जो आपकी फोटो होती है वो थोड़ी सी येलोइश लगती है या कई बार ब्लूइश लगती है, तो आप इससे वो एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं वार्म्थ को बढ़ाऊंगा तो आप देखोगे फोटो येलोइश होती जा रही है, और अगर मैं इसे घटाऊंगा तो देखोगे ब्लूइश होती जा रही है। अब ये पर्सनल टेस्ट के ऊपर है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, लेकिन इससे काफी टोन चेंज हो जाती है। तो मेरे को थोड़ा सा ये शाम का सीन है तो वार्म्थ बढ़ाने का मन है,
तो मैं वार्म्थ बढ़ा देता हूँ। बाकी अगर आप इसको थोड़ा सा अलग सा ब्लूइश सा टिंट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। तो सपोज मैं इसे, या फिर मैं इसे छेड़ता ही नहीं हूँ, सपोज हल्का सा ये कर देता हूँ, या मैं इसे ज़ीरो ही कर देता हूँ। चलो तो डन कर दिया, देख सकते हैं आप काफ़ी चेंज आ चुका है ये दोनों फोटोज़ के अंदर। तो ये था बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड, बिना किसी सॉफ्टवेयर के आप कैसे बेसिक कलर करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर को यूज करके आप कैसे कलर करेक्शन या बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड का फोन है तो जो स्नैपसीड का मैं ट्यूटोरियल बताने जा रहा हूँ तो स्नैपसीड उसके ऊपर भी अवेलेबल है। तो आप अगर एंड्रॉइड यूजर है तो आप भी उस तरीके से फोटोज को एडिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए मैंने खोल रखा है स्नैपसीड। तब जैसे आप स्नैपसीड में अपनी फोटो खोलोगे तो आप यहाँ पे देखोगे मिडल में जो बटन आ रहा है दैट इज फॉर टूल्स, इसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो काफी सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो बेसिक एडिटिंग के लिए आपको ट्यून इमेज में जाना है और इसके अंदर भी देखिए आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, सैचुरेशन वगैरह। तो अब देखिए इसमें सैचुरेशन में वही करता हूं जो वहां किया था, मैं इसमें थोड़े से कलर ऐड करता हूं। और जैसे मैंने इसमें थोड़े कलर ऐड कर दिए, इसके बाद इसके अंदर एक ऑप्शन है एम्बियंस, आप इसमें से लेकर अपने जो थोड़े डार्कर एरिया है उसे हाईलाइट कर सकते हो। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जैसे ये कर लेता हूं। और इसके बाद है वार्म्थ जो मैं उसमें छोड़ता हूँ, आप शैडो से भी छेड़ सकते हैं लेकिन मैं उसको इसलिए रिकमेंड नहीं करता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्वालिटी को हार्म करता है। वार्म्थ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ जैसे पहले किया था, तो जैसे इसमें हल्का सा बढ़ा देता हूँ। इसके जो रिजल्ट आया है वो है ये। और अब मैं बात करता हूँ स्नैपसीड के कुछ एडवांस फीचर्स की जिसके बदौलत आप एक अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। और अब तक अगर आपको लगता है मैं कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ या आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूँ और आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपको ऐसी तरह की वीडियो देखना पसंद है। और लाइक और कमेंट से ये फायदा होगा कि ये वीडियो प्रमोट हो जाएगी, उससे मेरे चैनल का थोड़ा फायदा हो जाएगा, तो आप ये कर दीजिए। तो चलिए अब आपको स्नैपसीड से कुछ एडवांस फीचर्स बताता हूँ। और अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ टूल्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये फोटो आईफोन से ली हुई है, मतलब मैंने अपने जब गांव गया था तब ली थी। तो आप देख सकते हैं इस फोटो में सब कुछ अच्छा है, लाइक देख सकते हैं आप सनसेट बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, मेरे हिसाब से कलर भी ओके आए हैं। लेकिन जो दिक्कत मुझे लग रही है जो साइड में सामान पड़ा है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये मेरी जो गेटअप है फोटो की वो खत्म कर रहा है। तो अब मुझे ये रिमूव करना है। और ये सामान के साथ ही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी फोटो में कोई आसपास चलता हुआ बंदा आ गया जो कि काफी लगता है फोटो को खराब कर रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए इसके अंदर एक बहुत अच्छा टूल दिया है, दैट इज हीलिंग। हीलिंग बहुत अच्छी चीज है, मैं दिखाता हूँ कैसे इसे यूज करते हैं। आप हीलिंग को चूज करेंगे और जैसे जो भी अनवांटेड चीजें हैं आप उन पर इसे जस्ट ऐसे और ऐसे रब कर दीजिए, ये अपने आप उन चीजों को इरेज कर देगा। तो देखा एक चमत्कार क्या हुआ, फोटो ऐसे थी और इसके अंदर से सामान चला गया। मतलब ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिखाया है, ये बहुत अच्छे से यूज हो सकता है, बहुत और जगह पे यूज हो सकता है। कई बार होता है कि कोई डॉग आ गया हमारी फोटो पे, या कई बार कोई अनवांटेड आदमी आ गया, साइड में पता चले कि कोई बैग पड़ा है, कोई प्लास्टिक पड़ा है, तो वो सब आप रिमूव कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है जो आपको स्नैपसीड के अंदर मिलेगी। जो नेक्स्ट टूल है वो टूल है अलाइनमेंट को लेके, जो कि इसमें पर्सपेक्टिव के नाम से है। सपोज आप ये फोटो देख रहे हैं तो ये फोटो क्या है, मुझे थोड़ी सी टिल्टी लग रही है, ये थोड़ी टेढ़ी फोटो लग रही है। और कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी को कैमरा दिया और उसने फोटो टेढ़ी खींच दी, तो या तो उसे क्रॉप करना पड़ेगा, तो हम सोचते हैं उसे सीधी कैसे करें। तो इसके अंदर उसके लिए भी बहुत आसान सा तरीका है, ना आपको कोई क्रॉप करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। आपको सिंपली क्या करना है, पर्सपेक्टिव को चूज करना है और जहां आपको लग रही है कि टिल्टेड है वहां से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देना है। जैसे मुझे अब यहां पे सीधी लग रही है और जैसे मैं छोड़ूंगा तो आप देख सकते हैं मेरी फोटो ऐसे थी ऐसे हो गई, और मुझे लग रहा है थोड़ी इधर ज्यादा टिल्ट हो गई है, तो आप देख सकते हैं फोटो सीधी हो चुकी है। तो ये बहुत ही यूनिक चीज है, मतलब आपका बहुत टाइम बचा सकती है और आपकी फोटो परफेक्टली अलाइन कर सकती है। तो आपको इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किसी ने फोन टेढ़ा मेढ़ा पकड़ लिया थोड़ा बहुत तो फोटो खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल आराम से आप सही कर पाओगे। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। अब तीसरा टूल भी थोड़ा सा यूनिक टूल है। अब जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि बाकी सब तो अच्छा आ रहा है, मतलब ये भी वाइड एंगल से ली हुई फोटो है, आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ अच्छा आ रहा है, मतलब कलर्स वगैरह भी अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट मैं जो हूँ थोड़ा डार्क एरिया में हूँ तो मैं दिख नहीं रहा हूँ। अब इसके बहुत तरीके हैं, मैं एक काम कर सकता हूँ कि ब्राइटनेस बढ़ा लूंगा, लेकिन अगर मैं किसी भी तरीके से सपोज मैं क्या करता हूँ ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ तो देखोगे कि ओवरऑल फोटो की क्वालिटी गिर गई, मैं तो दिखने लग गया लेकिन फोटो अब लाइक सारी ब्राइट हो गई, ओवर एक्सपोज सी हो गई। तो इसका एक तरीका इसके अंदर बहुत अच्छा है, आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज करके भी उसकी ब्राइटनेस वगैरह को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने सेलेक्टिव चूज करना है, जिस भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें आप चेंजेस आना चाहते हो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद
इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, कॉन्ट्रास्ट वगैरह ये सब आपको टैप करके जैसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करोगे तो वो दिख जाएंगे। तो मैं जैसे ब्राइटनेस को चूज़ कर लेता हूँ, जैसे ही मैं ब्राइटनेस को बढ़ाऊँगा तो पर्टिकुलरली मेरी ही ब्राइटनेस में इम्प्रूव आएगा। तो अगर आप देखोगे, अब ये दिख रहे हैं आप, पहले मैं ऐसे था, अब मैं ऐसे हो गया। तो ये बहुत ही बढ़िया टूल है कि कई बार ऐसा होता है कि आप डार्कर एरिया में होते हो, अब आप खुद को भी दिखाना चाहते हो, अब ओवरऑल ब्राइटनेस नहीं बढ़ा सकते, तो ये बहुत ही बढ़िया टूल है। तो ये मेजरली 3 टूल्स हैं जो आपके बहुत सारे काम में आ सकते हैं। इसके अलावा भी तरीका है ब्राइटनेस इंप्रूव करने का, लाइक आप ब्रश को चूज कर सकते हो और एक्सपोजर को घटा बढ़ा के किसी भी तरीके से आप एक्सपोजर को और भी बढ़ा सकते हो। तो इसके अंदर और भी बहुत बढ़िया चीज़ें हैं जिसको यूज़ करके आप बहुत अच्छे एडिट कर सकते हो, लेकिन मैंने जो बताया वो मेजरली चीज़ें बताई जो आपके एडिट के टाइम में यूज़ हो सकती हैं। तो होप आपको ये ट्यूटोरियल आसान लगा होगा और इस वीडियो के बाद आप सीख गए हैं कि कैसे अपनी फोटोज़ को एडिट कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने बोला था आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। एक चीज़ का आप खास ध्यान रखिए, अगर आप फोटो एडिट कर रहे हैं तो इन फिल्टर्स जो इनके इनबिल्ट फिल्टर्स हैं उनका यूज़ थोड़ा कम करें, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ज़्यादा ओवर एक्सपोज वगैरह कर देते हैं आपकी इमेजेस को, और साथ ही साथ मुझे लगता है जिसके वजह से वो क्वालिटी गिरा देती है। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर फिल्टर यूज करना ही है, भाई मेरा मन है यूज करूंगा और आपको लग रहा है, तो अब मैं चाहूंगा कि आप उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर ले, उसके वजह से फोटो थोड़ी नेचुरल लगेगी। दूसरी चीज, अगर आप को यूज कर रहे हो तो जब एक्सपोर्ट करोगे या कह लीजिए जब सेव करोगे फोटो को, तो सेव एज अ कॉपी करें ताकि आपकी ओरिजिनल फोटो भी रहे और एडिटेड भी रहे। ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है अगर आप दोबारा एडिट करना चाहें। और अगर आपको फोटोज एंड वीडियोस कैसे लेनी है वो जानना है आईफोन से, तो वो मिल जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो लिटरली हेल्पफुल लगी है तो लाइक दे देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो जाए और मेरा चैनल भी प्रमोट हो जाए। तो मिलते हैं फिर अगली यूजफुल वीडियो से। एप्पल से रिलेटेड और भी वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, तो वो एक बार देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।